तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। ये संकल्प यात्रा निशा समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए है। निशा के सभी उपजाति बिन दगा नुनिया मला चाय पियर बनपर निशा के 2200 पूरी के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले 8 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं और हर संघर्ष में आप लोगों का भरपूर सहयोग होता है। इससे पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन 7 साल हो चुका है। 2015 में हम आए जब गांधी मैदान में रैली होना था, उस रैली में आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बड़े संख्या में वहाँ पे आया। और 5 साल पहले भी जब पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया, उसमें भी आप लोग बड़े संख्या में आए हैं। और आप ही के हक अधिकार के लिए मैं पिछले 9 सालों से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। हमारी लड़ाई है कि निसार समाज को मान सम्मान अधिकार के लिए हमारा अधिकार, हमें आरक्षण चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। जो बंगाल में निषाद को आरक्षण एससी का है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद समाज को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। संकल्प यात्रा निकाल के साथियों, इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, अगर मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। 2 काम क्या है? एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। आप झोपड़ी में हैं तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइएगा तो एक न एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनकर आपके झोपड़ी से निकालकर महल में पहुंचाने का काम करेगा। और दूसरा, अपने एकता के साथ रहिए और अपने वोट बैंक को ताकत को समझिए। अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, तो इस देश में कोई आपको पहचानने वाला नहीं है साथियों, कोई पहचानने वाला नहीं है। पहले आजादी से पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया और उस संविधान में हमें एक ताकत दिया, और एक ताकत ऐसी ताकत दी, उन्होंने कहा कि अब देश में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा। और जिसके पास वोट होगा, अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, अपने वोट के दम पर बनेगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इसलिए साथियों, अपने वोट को ताकत को समझिए। आज बिहार में जाति आधारित गणना हुआ है, इसमें आपने देखा होगा कि बिहार में 63% ओबीसी है। अगर ओबीसी में अगर एक नंबर पे अगर कोई जात है तो हमारा यादव भाई है, और दूसरे नंबर पे कोई है तो विशाल समाज इतनी हमारी आबादी के रहने के बावजूद भी हमें हमारा हक अधिकार नहीं मिलता है। आज बताइए, इन 75 साल बीतने के बाद भी आज भी हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं? इसलिए साथियों, आप जगिए और संघर्ष कीजिए अपने आने वाला पीढ़ी के लिए। आज जैसे 9 सालों से हम लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, पार्टी बनाया, दल बनाया, आज लोग हमें जानने पहचानने लगा। आज अगर मैं मुंबई में रहता तो मुझे कोई नहीं पहचानता। आज आप अगर संघर्ष नहीं करते तो आज आपको कोई जानता नहीं। आप और हमने मिलकर बिहार में संघर्ष किया, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा और एक अपनी पहचान बनाया। आज बिहार में आज निषाद के बेटा से दिल्ली का सरकार घबरा रहा है। क्यों? क्योंकि आप और हम जागरूक हुए, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे, इसलिए दिल्ली का सरकार आज हमसे घबरा रहा है। इसलिए साथियों, अपने लिए नहीं, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए। आपके बच्चे के भविष्य की लड़ाई आप ही को लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। आज 75 सालों से कोई आया लड़ने के लिए? नहीं आया। और आने वाले 100 सालों तक कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। अगर लड़ाई लड़ना है तो आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं लड़ाई लड़ने का साथियों। और आप लोगों ने, हम लोगों ने संघर्ष किया, आपने देखा
बिहार में हमने संघर्ष किया, पार्टी बनाया, अपने दम पर बिहार में चार विधायक बनाया। तब तक लोगों को लगता था कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन हमने साबित किया कि बिहार में मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है, हम बिहार में विधायक भी बना सकता है और शासन भी कर सकते हैं। आपने देखा चार विधायक बनाए, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनता, ये हमारी ताकत है साथियों। लेकिन आपका दुश्मन बहुत चालाक है, वो नहीं चाहता है कि गरीब मजदूर का बेटा बिहार में राज करे, वो चाहता है कि वर्षों से आज तक आप गुलाम बने हुए हैं, आने वाला समय में आप गुलाम बनते रहिए। वो नहीं चाहता कि निशा का बेटा मालिक बने। उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत आपका विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। उनको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उनको आपसे तकलीफ था। वो देखा कि बिहार में निशा समाज जो है वो सोया हुआ शेर है, ये जिसमें जग जाएगा उस लालू जी के जैसे अकेले अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बना लेगा। तो ये साथियों, वो चाहता है कि आप गुलाम बने रहें। ये निर्णय आपको लेना है कि आपको गुलामी करना है, रहने दीजिए रहने दीजिए, आपको गुलामी करना है कि बेहतर जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करना है। आज देखिए हमारे लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये गरीब घर में ही जन्म लिए, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपने वोट के दम पर बिहार का मुख्यमंत्री बने। जब लालू जी दल बनाए, उनके लोगों ने उनको साथ दिया, जब उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं, अपने लोगों को कितना आगे बढ़ाया। आज भी उनके परिवार के लोग, आज भी उनके बेटा बिहार में डिप्टी सीएम बना हुआ है। सारा महिला से ये कैसे हुआ? ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ। कोई लालू जी कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए थे, वो भी साधारण गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, अपने वोट को ताकत को सोचा, अब वोट के दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बना, बिहार में मुख्यमंत्री बना। आज उसी के दम पर आपको भी एकता के साथ आना रहेगा, अपने वोट को ताकत को समझाना होगा। जो काम लालू जी कर सकते हैं, क्या वो निशा का बेटा नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है, लेकिन तो जरूरी है कि जैसे लालू प्रसाद जी संघर्ष किए, उससे आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे स्वर्गीय पासवान जी संघर्ष किए, उससे आपको भी करना पड़ेगा। जब संघर्ष करेंगे तो कामयाबी हासिल होगा साथियों, कामयाबी हासिल होगा। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया जहाँ पे चार रोज मछली ना मारा जाए तो पांचवें दिन घर पे खाना नहीं बनता, ऐसी गरीबी में जिंदगी जिया। फिर मैंने क्या किया, 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी में करता था, और मेहनत के दम पर बॉम्बे जैसे शहर में भी अपना कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ दिया। एक ऐश्वर्याम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐश्वर्याम जिंदगी को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ रहा था, पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ रहा। आज बताइए देश इतना तरक्की कर गया है, हम चांद पे ढूंढ रहे हैं कि वहाँ ऑक्सीजन है कि नहीं है, वहाँ लोग रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, हम वहाँ पे जांच करने के लिए भेजते हैं। लेकिन आज देखिए, आज ये निशा तो बस्ती है, गरीब बस्ती है, लेकिन आपके घर पे आने के लिए रास्ता है नहीं है। आज आजादी के 77 साल बीत गया, लेकिन आपके घर पे आने के लिए रास्ता नहीं है, ये क्यों हुआ? क्योंकि आप लड़ाई नहीं लड़ रहे। अगर आप भी अगर लालू जी के परिवार के लोग होते तो क्या आज तक ये रोड नहीं बनता? ये रोड बन गया होता। तो अगर आप जब हम मंत्री बने तो गांव से कुछ युवा हमारे पास आए थे और हमें याद दिलाए, तो हमें तो पहले से ही पता था और हम तुरंत संज्ञान में लिए। हमने सांसद महोदय को फोन किया,
हमने विधायक को फोन किया, हमने डीएम से बात की, डीएम साहब से बात किया, हमने प्रतिनिधि को डीएम साहब के पास भेजा और हमने कहा अभिविलंब वहां पे रोड बनना चाहिए, प्रक्रिया में था। अगर मैं मंत्री अभी तक रहता तो ये रोड भी बन गया होता, लेकिन बीच में ही आपका दुश्मन आपको हटा दिया, जिसके कारण हम मंत्री से हट गए। साथियों, इस संसार में पैसा से भी बड़ा ताकत है वह पावर। तो इसलिए साथियों, इस देश में दो ही चीज बड़ा है, पैसा और पावर। तो पावर रहेगा तो आपका हर काम होगा साथियों, हर समस्या का हल होगा। जिसके पास दल होता है उसके पास बल आता है, और जिसके पास बल आता है उसका हर समस्या का हल होता है साथियों।